फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में हम कुछ नया जानने वाले हैं। वो है कि आज मैं जा रही हूँ एक कैंपिंग पे, एक लाइक ट्रैवल भी आगे मैं जाने वाली हूँ। तो हम आज देखेंगे, हम जब कैंपिंग पे जाते हैं यहाँ हमें क्या क्या एसेंशियल चीजें जो ट्राई लाइक चाहिए होता है एक ट्रिप पे जाने के लिए, क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं जो हमें चाहिए होता है। तो मैं अभी बैठ के अनबॉक्स करने वाली थी कुछ चीजें जो मुझे अपने ट्रिप के लिए चाहिए, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, मैं अचानक से ऐसे कौन से ट्रिप के लिए निकल पड़ी? तो जी हाँ, मैं बता दूँ, यहाँ जब भी समर होता है लोग यहाँ ज्यादातर ट्रिप्स पे जाना पसंद करते हैं, ऐसे कैंपिंग पे, ट्रिप्स पे, शॉर्ट लॉन्ग, ग्रुप्स के साथ, अकेले, हर तरह के ट्रिप्स पे वो जाना पसंद करते हैं। कभी होटल में रहते हैं, कभी जंगल पे, कभी अंडर द स्काई, कभी कार में, पता नहीं कहाँ कहाँ वो रुकते हैं। तो इस बार जब समर आया हमने भी सोचा था कि कहीं जाएंगे, तो ये वाला जो मौका मिला हमने सोचा हम इसको बिल्कुल भी लाइक उड़िया में एक वर्ड है हाथ तो छोड़ा, मतलब हम इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और हम भी कहीं निकलेंगे। तो हम कहाँ जा रहे हैं, लाइक किसके साथ जा रहे हैं, मैं सारा कुछ आपको आज बताने वाली हूँ। तो ये जो ट्रिप है ना, इसको हम रजा ट्रिप बोल सकते हैं। रजा क्या है? रजा एक उड़िया का फेस्टिवल है जो इसी महीने ऐसे आता है, जून के मंथ एग्जैक्टली लाइक इसी मंथ में आता है, जब मॉनसून शुरू होता है वो होता है। लाइक ये हमारा एक पूजा होता है जो उड़ीसा में होता है, इसमें वो 3 दिन पालते हैं रजा संक्रांति और कुछ ऐसे 3 डेज वो करते हैं। तो ये ज्यादातर भुवनेश्वर, कटक, एंटायर उड़ीसा ही पालते हैं उस साइड पे, पर उस बेल्ट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो मैं जहाँ से आती हूँ वो है बरहमपुर। मुझे बचपन से हमेशा लगता था कि हमारे साइड में लाइक एक फेस्टिवल होता है कुमारपुर, नहीं उसे ज्यादा मनाते हैं रादर देन रजा, बट हाँ मोर और लेस हमेशा ही इसे हर जगह ही पाल लेते हैं लोग। उसमें वो डोली लगाते हैं, लाइक स्विंग लगाएंगे, उस पर झूलेंगे, झूला लगाते हैं, फिर क्या हम पोड़ो पीठा खाते हैं, छेना पोड़ो, रजा पानो। फिर ये एक्चुअली इसमें लेडीज को ज्यादा प्रावधान दिया जाता है एज कम्पेयर टू मेन। तो हाँ, पर हर कोई खुश होता है, ये हमारा एक फेस्टिवल है जिसमें हम सब खुश रहते हैं। तो मैं इतना फेस्टिवल का ज्ञान क्यों दे रही है आज आप लोगों को? जी हाँ, ये ज्ञान इसीलिए है कि हम जो जा रहे हैं इसे हम रजा लाइक मनाने ही जा रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये इतना लाइक ऐसा वाला फेस्टिवल हम फॉरेन में रह के कहाँ मना रहे हैं, किसके साथ मना रहे हैं, और मनाने के लिए भी ट्रिप जरूरी है क्या? तो मैं बोल दूँ हाँ, ये एक्चुअली मैंने एक उड़िया कम्युनिटी के साथ मैं जुड़ी हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड रिसेंटली, तो हम उनके साथ ये मनाने जा रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ आके मुझे उड़िया कम्युनिटी कहाँ से मिल गया? तो मैं बता दूँ, मुझे भी थोड़ा पहले शॉकिंग लगा था, लाइक कुछ मंथ्स पहले, अराउंड लास्ट मंथ समथिंग, मैंने ही एक रिसर्च किया था। एक्चुअली मैं बहुत दुखी थी कि यहाँ मुझे कोई उड़िया मिलते ही नहीं, मैंने कहीं आने के बाद ही नहीं देखा, ना किसी को बोलते हुआ, ना सुनते हुए, ना किसी को, मैं जानती भी नहीं थी किसी उड़िया को। तो मैंने ऐसे बहुत रिसर्च की और एक दिन मुझे पता चला कि यहाँ लोग उत्कल दिवस मना रहे हैं जो हमारा अप्रैल 1 में होता है। तो उसका फेस्टिवल चल रहा था, कुछ फंक्शन था, इधर के ऑपोजिशन लीडर भी आए थे, तो इट वाज अ वेरी बिग फंक्शन, और वहाँ सारे लाइक साउथ इंडियन हर तरह के लोग जाके नाच रहे थे। तो मैं सोच रही थी उड़िया कम्युनिटी है कहाँ, फिर बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि एक यहाँ सोसाइटी है, उड़ीसा सोसाइटी ऑफ कैनेडा, तो वो मतलब ऐसे इवेंट्स होस्ट करते हैं, उनके ग्रुप्स हैं, आप उन्हें फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, फिर उनका लाइक गूगल प्रेजेंस भी आपको मिल जाएगा, जिधर से मैंने नंबर लेके उन्हें कॉल किया था। जब आप ये ग्रुप ज्वाइन करेंगे, इनके मेंबर बन जाएंगे, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में करते हैं ऐड, वैसे कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते रहते हैं, जैसे अभी हम जा रहे हैं रजा, फिर उन्होंने मनाया बिस्सू मिलन, ऐसे बहुत कुछ करते रहते हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई जब मुझे इनका प्रेजेंस के बारे में पता चला इन कैनेडा।
बट आई वॉज स्केप्टिकल, कैनेडा तो इतना बड़ा देश है, ये कौन से प्रोविंस में लाइक एक्ट कर रहे होंगे. ओके, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, इंडिया में जैसे बहुत सारे स्टेट्स होते हैं ना, लाइक उड़ीसा हो गया, कर्नाटका हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे ना बहुत सारे प्रोविंस होते हैं लाइक अल्बर्टा, फिर ओंटेरियो जहाँ हम रहते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया, ऐसे बहुत सारे प्रोविंस है. तो मैं पहले शक मुझे हो रहा था कि ये कहाँ एंटायर कैनेडा में कहाँ एक्ट कर रहे हैं, पर जब मैंने इनको इनके बारे में और जाना, इनकी जो प्रेसिडेंट है ना अभी, वो यही हमारे घर ही के पास रहते हैं, अराउंड 20 किलोमीटर के अंदर, 10-20. तो वो भी मुझे बुला रहे थे, आप कभी हस्बैंड के साथ घर घूमने आइए हमारे. ओवरऑल एक फ्रेंडली एटमोसफियर है. फिर मैंने भी उनसे बात की, मेरे हस्बैंड ने भी बात की. तो या वी डिसाइडेड टू गो फॉर दिस फंक्शन. हमें पता चला ये एक ऐसा इवेंट आगे रखने वाले हैं, तो हमने डिसाइड किया तो चलिए डेफिनेटली चलते हैं इस इवेंट को अटेंड करने. तो ये बाकायदा एक ट्रिप है जिसमें हम मनाने वाले हैं रॉजर. तो हम कहाँ जाने वाले हैं वो भी मैं आपको जल्द ही बताऊंगी. तो चलिए पहले हम कुछ एसेंशियल्स अनबॉक्स करते हैं फॉर द ट्रिप. एक्चुअली मैं कल ही निकलने वाली हूँ इसके लिए, इसके भी वीडियोस आएंगे, हमने क्या सेलिब्रेट किया, क्या कैसे मनाया. पर अभी के लिए हम अनबॉक्सिंग करते हैं कुछ चीजों के, ताकि मैं उसे अपने सूटकेस अपने बॉक्स में डाल सकूं. तो चलिए उसे आप भी को एक आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या क्या चाहिए जब हम एक ट्रिप पे जाते हैं. और इन सारी चीजों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डेफिनेटली सारों के अमेजोन लिंक्स मैं आपको दे दूंगी, ताकि आप इंडिया में भी आपको आइडिया हो सके. तो आपको लग रहा होगा ये क्या सारा कचरा मैंने फैला रखा है. जी हाँ, ये कचरा नहीं, इसे ही हम अनबॉक्स करने वाले हैं. चलिए पहले कैंची लाते हैं. ओके, आई गॉट इट. अभी हम एक एक करके इस सारे को अनबॉक्स करेंगे. तो जी हाँ, बहुत सामान हो गया है, पर आपको आइडिया लगेगा कि आप अगर एक दिन के ट्रिप के लिए, पिकनिक के लिए जैसे हम इंडिया में जनरली जाते हैं, छोटे से ट्रिप के लिए जैसे कहीं वाइजैक हो गया, कहीं घूमने हो गया आसपास, तो जी हाँ पूरी के ट्रिप्स के लिए हम जाते हैं उड़ीसा में. तो वैसे अगर शॉर्ट ट्रिप हो गया एक दो दिन का एक्सेट्रा, तो आपको क्या चाहिए पिकनिक के लिए. तो चलिए पहले अनबॉक्स करना शुरू करते हैं. तो जो पहली चीज मैं लाई हूँ वो है ये फ्लिप फ्लॉप्स, लाइक स्लिपर्स. जी हाँ, ये कलर मुझे भी बहुत ही ज्यादा पसंद है, और ये लगभग मेरे ही साइज का है. एग्जैक्टली तो यहाँ नहीं मिला मुझे, पर यस, मुझे ये कलर पसंद आया, और ऐसे आसपास घूमने के लिए ठीक ही है ये. या तो बाथरूम स्लिपर्स की तरह यूज हो जाएंगे. जी हाँ, मैंने वही सोच के लाया है, बाहर थोड़ा बहुत जाने के लिए और बाथरूम के लिए, या डेफिनेटली मैं इसे यूज कर सकती हूँ. और Amazon के बहुत सारे ऐसे अच्छे फ्लिप फ्लॉप के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जरूर चेकआउट कीजिएगा आप. फिर जो दूसरी चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये बॉक्स. जी हाँ, इसे हम लाए थे एक ट्रैवल बॉक्स की तरह. तो ये क्या है, तो इसका मैं आपको बता दूं कि ये एक लाइक ट्रैवल बॉक्स ही है. चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं पहले. और इसमें ना ढेर सारे आपको एसेंशियल्स भी मिल जाएंगे, जैसे आपको एक सीजर्स मिलेगा, नेल कटर मिलेगा, नेल क्लिपर हो गया, फिर नेल फाइलर हो गया, ट्वीजर्स मिलेंगे. तो ये सारी चीजें लेना क्यों एसेंशियल है बाहर, तो मैं इसका रीजन आपको बता दूं कि मैं बहुत सारे ट्रेकिंग के लिए भी गई हूँ, तो वहां ना कांटे बहुत सारे होते हैं, कहीं भी कुछ भी फंस सकता है, अचानक से आपको एक छोटी कैंची की जरूरत हो सकती है, कुछ फर्स्ट एड के लिए आपको चाहिए हो सकता है, तो इसमें वो सारा कुछ है. तो ऐसे ही किट लेना भी आपके लिए बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए बाहर, तो इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी अंदर. तो इसमें बहुत सारे ऐसे एसेंशियल चीजें ही हैं जो हमें जरूर चाहिए अगर हम ट्रिप पे जाते हैं. तो जो नेक्स्ट चीज है वो है ये बैग. तो ये कॉस्मेटिक काइंड ऑफ ट्रैवल बैग ही है. तो यस, इसमें हम कुछ भी सामान रख सकते हैं अपना. लाइक मैंने सोचा है मैं सारे लाइक एसेंशियल बॉटल्स जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो फिल करके रख दूंगी इधर. या आप मेडिसिन पाउच की तरह भी ले सकते हैं, एक छोटे छोटे पाउच कर दीजिए, वो आपके लिए ईजी रहेगा लेना. फिर नेक्स्ट जो चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है एक फेशियल टिश्यूज. जी हाँ, हैंकी लेना अच्छा ही है, आप लेके जा भी सकते हैं, पर ये टिश्यूज ना बहुत कन्वीनियंट रहते हैं,
तो इसमें एक ये इसमें अराउंड 10 पाउचेस है ऐसे टिश्यूज के, आप एक या दो अपने हैंड बैग में, अपने पर्स में, कहीं भी डाल सकते हैं। मैं तो अपने हस्बैंड के ऑफिस बैग में भी ये डाल देती हूँ, तो ये मुझे बहुत काम का आ जाता है। ये ड्राई टिश्यू ही है, वेट वाले नहीं है। जी हाँ, मैं वेट वाले टिश्यू भी लेके जाऊंगी, वहां लूंगी। तो जी हाँ, तो ये भी कंपल्सरी है हम जब कैंपिंग या ट्रिप्स पे जाते हैं इसे लेके जाना। फिर नेक्स्ट जो चीज हम देखने वाले हैं वो है एक इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रे। तो इंडिया में जैसे ओडोमॉस होता है ना, तो यहाँ पे यही होता है। तो इसे इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रे बोलते हैं। ये वुड्स के लिए होता है, जैसे जंगल के लिए। इधर दो चीजें होते हैं, एक ये आपको लेना है, एक आफ्टर बाइट होता है, किसी इंसेक्ट के काटने के बाद उसे आपको लगाना है। तो वो भी हम लेके जाएंगे और ये भी हम लेके आए हैं। तो ये भी एक मस्ट है, बिकॉज आपको नहीं पता आप कौन से होटल में जा रहे हैं, कहाँ आउटडोर जा रहे हैं, उधर कितने मच्छर है, कौन से तरह के इंसेक्ट है, तो इसे स्प्रे करना जरूरी है। तो एक स्प्रे बॉटल की तरह ही होता है, आप बस अपने बॉडी में स्प्रे कर देंगे उधर जहां भी आपको मच्छर महसूस हो। तो यस, फिर जो नेक्स्ट चीज हम अनबॉक्स करने वाले हैं वो है ये जिपर सील। तो यस, मैं इसे भी बहुत एसेंशियल्स मानती हूँ एक जाने के लिए, लाइक एक ट्रिप पे। तो ये क्या होते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे इंडिया में एक ब्रांड था ना जिप लॉक, ये बस वैसा ही कुछ होता है। ये सिलिकॉन के पाउचेस होते हैं, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ये हमारे सिलिकॉन के पाउचेस होते हैं। ऐसे हमें दो या तीन मिलेंगे। तो ये बहुत बड़े बड़े पाउचेस होते हैं, जैसे फाइल्स होते हैं ना वैसे। आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, खाना रख सकते हो या फिर अपने टॉयलेट एसेंशियल्स रख सकते हो, कुछ भी। तो ये बड़ा काम पे आ जाता है, बिकॉज ये पूरा लाइक वैक्यूम सील हो जाता है और कुछ भी बाहर स्पिल नहीं होगा। तो एक दो इसके भी आप ले सकते हो, तो ये बहुत काम में आ जाता है। तो इंडिया में भी ये मिलता है डेफिनेटली, मैं आपको सारे के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी। फिर जो नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं वो है जी हाँ, प्लेट्स। प्लेट्स तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब भी आप कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। ये डिस्पोजेबल प्लेट्स ही है, ये बहुत ही सस्टेनेबल बेस्ड ऑप्शन है। ये कुछ मतलब प्लास्टिक फ्री प्लेट्स हैं या वैसे कुछ। तो इसका भी इंडिया में तो और ज्यादा ज्यादा अच्छी चीजें आ रही है आजकल, बैम्बू के ये के, तो आप वो भी खरीद सकते हो। इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगी। ये हमने ले लिया है कि पता नहीं कभी कुछ खाने का मन हो, प्लेट्स अवेलेबल हो या नहीं, इवन आपके ट्रिप के बाद में भी आप इसे यूज कर सकते हैं कभी भी। तो जो नेक्स्ट चीज मैं लाई हूँ ये है बड़े वाले टिश्यूज। जी हाँ, वो मैं फेशियल टिश्यूज भी लाई हूँ, ऐसे बड़े वाले टिश्यूज भी लाई हूँ। कब कुछ खाए या कुछ ऐसे महसूस हो, ये कार में रहेगा तभी ये ज्यादा काम आ सकता है हमारे। तो जी हाँ, इसके लिए मैं ये भी लाई हूँ। और जो नेक्स्ट चीज है वो है ये बॉटल्स। जी हाँ, ये बॉटल्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये क्यों यूज होता है मैं बोलती हूँ। इसमें 3 कंटेनर्स होता है, एक तो एक नॉर्मल बॉटल है, फिर एक स्प्रे बॉटल है, फिर एक लाइक हैंड वॉश और बॉडी वॉश के लिए बॉटल है। तो ये ना, इसको हम ट्रैवल बॉटल्स बोलते हैं। तो हम जब भी किसी ट्रिप पे जाते हैं किधर घूमने या कभी किसी और कंट्री में जाते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे एक तरह का फेस वॉश ही जचता है, तो मैं इस बड़े वाले फेस वॉश जो अब मैं घर में यूज करती हूँ उससे थोड़ा इसमें रिफिल करके ले सकती हूँ। तो ट्रिप के लिए इतना मुझे चल भी जाएगा और आने के बाद मैं इसे यूज भी कर सकती हूँ। तो इसमें भी मैं थोड़ा अपना हैंड वॉश जो भी मुझे चाहिए वो भी भर के ले सकती हूँ। तो ऐसे करके ये ट्रैवल बॉटल्स है। मेरा कोई टोनर हो गया, फेशियल मिस्ट हो गया, उसे मैं डालने के लिए इसमें ले सकती हूँ। तो ये बस नॉर्मल प्लास्टिक के बॉटल्स ही होते हैं, पर इसका फायदा ये है कि आपको वो बड़े बड़े बल्की वाले बॉटल्स यूज नहीं करने होते और इन 3 में ही सब कुछ रह जाएगा। जी हाँ, ये इंडिया में भी अवेलेबल है, इसे आप जरूर खरीदिएगा। अगर आप कहीं भी अपने घर से एक दो दिन के लिए ट्रिप पे भी जा रहे हैं, आप सारा तो नहीं ले सकते। और साबुन कुछ लोग लेते हैं, पर मुझे वो इनकन्वीनियंट लगता है, बिकॉज साबुन को आप कहाँ नहाए कहाँ रखे, उससे अच्छा बॉडी वॉश ही ले, उसे यूज कर देने से इजी रहता है। तो इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। एज इन ट्रिप्स आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं भी इसे ले सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे वो है ये कैप।
तो जी हाँ, इसमें कनाडा लिखा हुआ है। इसका सर तो कवर्ड नहीं है, पर ये मुझे बहुत ही स्टाइलिश लगा और ये मैं यूज कर सकती हूँ। और कनाडा का जैसा फ्लैग ही है, यहाँ सब कुछ रेड ही होता है, ऐसे बोल्ड रेड, तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने एक लिया है। तो मैं कुछ फोटोज भी लूंगी इसके साथ। तो यस, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो एक अच्छा कैप लेना जरूरी है। हाँ, इसके कंटिन्यूएशन में ही ये है, ये मेरे हस्बैंड का कैप है, उन्होंने ये लिया है। तो यस, तो हम जब भी बाहर जा रहे हैं, हमें हैट और कैप्स की जरूरत है। हमें नहीं पता कितना ज्यादा सन होगा, हम कितनी देर ट्रैक करने वाले हैं, तो इससे अच्छा ये भी हमें एसेंशियल है रखना। तो मुझे तो यहाँ आके कुछ ब्रांडेड के कैप्स ही पसंद आ रहे हैं। अगर मुझे कुछ अच्छे लिंक्स मिले तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फिर नेक्स्ट जो चीज मैं लाई हूँ वो है ये साबुन। तो ये मैं अपने लिए लाई हूँ, मैं ट्रिप के लिए नहीं लाई, मैं बस आपको दिखा रही हूँ। तो ये डव की कुकुम्बर फ्लेवर का ये पूरा बॉक्स वाला सोप, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अपने लिए ही ये घर के यूज के लिए लाई हूँ। तो यस, फिर ये क्या है, ये कुछ टेनिस के बॉल्स है जो मेरे हस्बैंड लाए हैं। तो यस, ये भी आप ट्रिप के लिए, बच्चों के साथ खेलने के लिए, या खुद बड़ों के साथ खेलने के लिए, डॉग्स के साथ खेलने के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप इसे भी ले जा सकते हैं ट्रिप में। तो जो नेक्स्ट चीज है वो है ये किटकैट मिनीस। मैं ही इसे लाई हूँ और मैं ये इसीलिए लाई हूँ कि पता नहीं कभी अगर कुछ ज्यादा काम करके चल के थोड़ा लो शुगर लगा या ऐसा कुछ, तो हम इसे खा सकते हैं। या ऐसे ही छोटे छोटे चॉकलेट्स, बाइट साइज है, खाने के बाद एज एन डिजर्ट के लिए खा सकते हैं। तो हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड होके जाना पड़ता है, तो ऐसा ही कुछ है। तो जी हाँ, एक और चीज जो मैं लाई हूँ वो है ये किचन टॉवल। तो ये किचन टॉवल है, तो इसे मैं लाई हूँ एज इन क्या, हाथ पोछने के लिए एक हैंड टॉवल जैसे हमें चाहिए होता है। ये एक्चुअली 100% कॉटन का था, इसीलिए मैं लाई हूँ। जो भी हैंड टॉवल था वो थोड़े टर्किश टाइप के मटेरियल्स के थे, उससे अच्छा ये है। तो इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लाइक मिल जाता है ब्रांड्स के, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो यस, ऐसा ही कुछ है। तो चलिए इसको जल्दी से अंदर रख देते हैं। जिसका मैं जब साफ ना करो ना तो पाइल अप हो जाता है, इसीलिए अभी के अभी इन सारी चीजों का हम रख देंगे। ओके, ये बड़ा सा बैग हमारे साथ एक जाएगा। फिर नेक्स्ट जो चीज हमारे साथ जाने वाला है वो है कुछ कपड़े। तो कपड़ों में कुछ और मैं एसेंशियल्स आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि वो है एक हुडी। तो जी हाँ, ये ओल्ड नेवी का बैग है, पर ये हाँ ओल्ड नेवी और गैप दोनों का बैग है। मैं इसे गैप से ही लाई हूँ। अगर कोई लड़का मुझे अभी देख रहा होगा तो उन्हें तो पता ही रहेगा कि गैप एक ब्रांड है मेन का, वो ज्यादा फेमस है मेन क्लोथिंग के लिए। पर यहाँ ना मुझे गैप बहुत ही ज्यादा पसंद है। यहाँ एज इन कॉटन मटेरियल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो उस हिसाब से गैप वर्क्स वंडर्स व्हेन इट हैज टू लाइक उनके क्वालिटी ऑफ मटेरियल के लिए। तो हम ऐसे दो हुडी लाए हैं, एक मेरे हस्बैंड के लिए, एक मेरे लिए। मैं अपना हुडी आपको अभी दिखा देती हूँ। तो ये एक आइस ब्लू कलर का हुडी है, जो मुझ पर अच्छा ही दिख रहा था जब मैंने ट्राई किया था। तो जी हाँ, ऐसा एक हुडी है, उसपे सर ढकने के लिए भी है और एक फ्रंट चेन वाला हुडी है। मुझे ना ऐसे पूरा कवर्ड हुडी के कंपैरिजन में ऐसे फ्रंट चेन वाले हुडीज बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसका मटेरियल अच्छा ही है, ऑब्वियसली इट्स ऑफ गैप, तो ये कॉस्टली भी रहता है। अराउंड आपको नॉर्मल दिन में ये अराउंड 130 to 140, $150 आ जाएगा। हम जब गए थे ये सेल पे था, तभी ये $80 का कुछ था। जी हाँ, तो ये $80 का भी ये मतलब कॉस्टली ही हमें लगता है। इंडिया में तो आपको 15-2000 में बहुत ही अच्छे हुडीज मिल जाएंगे, ये आपको 8000, 9000, 10, 12, पता नहीं, फिर भी आपको अच्छे क्वालिटी के नहीं मिलते यहाँ। तो ऐसा है।
और एक मैं एक टॉप लेके आई हूँ अपने लिए, जैसे आप देख सकते हैं कि हाँ सारा ब्लू क्यों है, बिकॉज मुझे ब्लू कलर आजकल पसंद आ रहा है, मुझे ऐसे पाउडर ब्लू वाले क्लॉथ अच्छे लगते हैं, तो ये भी एक लाई हूँ मैं अपने लिए। और फिर देखते हैं कि और क्या एसेंशियल्स हैं जो हम लेके जा सकते हैं। तो चलिए, जी हाँ, और कुछ चीजें जो आपको लेके जाना जरूरी है वो है पैड्स। तो पहली जो चीज है, यहाँ ये ऑलवेज ब्रांड ही मिलता है, तो मेरे पास अभी के लिए तो इसी के पैड्स है। जी हाँ, ये पूरा बॉक्स लेके नहीं जाने वाले, मुझे इतना पैड्स नहीं चाहिए, इसमें से मैं 2-3 लेके जाऊंगी इसे अनबॉक्स करके। तो जी हाँ, इसे दिखाने का कारण है कि पैड्स भी बहुत एसेंशियल है आपके लिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इंडिया में तो बहुत सारे बैम्बू लाइक केमिकल फ्री पैड्स मिलते हैं, यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ ये एक ही ब्रांड मिलता है और हमें इसे ही खरीदना पड़ता है। पर आप अगर इंडिया में है डेफिनेटली केमिकल फ्री ब्रांड्स ट्राई कीजिए, बिकॉज आजकल इन केमिकल्स के चलते हमें बहुत हार्मोन्स डिसरप्शन होता है, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, उस पर बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, जैसे थायराइड हो गया, PCOD हो गया, क्या क्या मतलब पता नहीं, सिस्ट्स हो गए, अनटाइमली ट्यूमर्स हो गए, पता नहीं क्या कुछ निकलता जा रहा है, इरेगुलर पीरियड्स हो गए। इसीलिए आप अच्छे से केमिकल फ्री ब्रांड्स ही यूज कीजिए, वो भी सस्ते ही है, इट्स नॉट लाइक दैट दे आर कॉस्टली, व्हाई आर यू प्लेइंग विद योर ओन लाइफ, आई डोंट नो। तो हाँ, केमिकल फ्री ब्रांड्स ही यूज कीजिए, इसके थोड़े से लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फिर जो नेक्स्ट चीज मैं लेके जा रही हूँ जो एसेंशियल है, वो है कुछ कंफर्टेबल अंडरवेयर्स। डेफिनेटली ये एक कैल्विन क्लीन का ब्रांड है, ये मैं यहाँ से ही लाई हूँ, पर ये इंडिया में भी डेफिनेटली मिलता है। कुछ कंफर्टेबल अंडरवेयर्स भी आपको लेना मस्ट है, बिकॉज आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो नहीं पता, अगर आपको पता भी है तो आप उधर धो तो नहीं सकते कपड़े, इसीलिए कुछ कंफर्टेबल सेट ऑफ अंडरवेयर्स भी आपको लेना कंपलसरी है। तो आपको जो भी ब्रांड पसंद आए, कॉटन के ही ज्यादा प्रेफर कीजिए, तो ऐसे आप ले सकते हैं। तो या फिर ये और एक और बड़ा थैली जो आप देख रहे हो मेरे पास, इसमें भी कुछ कपड़े है, मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ एसेंशियल शॉर्ट्स आप ले सकते हैं, जैसे आपको मन करे, जो अगर आप पहनते हैं ये ऐसे शॉर्ट्स तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। फिर कुछ कंफर्टेबल से ड्रेस जरूर रखिएगा, फ्रॉक्स ड्रेसेस, जो भी आपका मन करे, जो आपको पहनने के लिए कंफर्टेबल लगे, वहां पे कुछ लाइट कलर की ड्रेसेस। मुझे तो पर्सनली कॉटन ही पसंद है, इसीलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ रखना। फिर ऐसे ही है, फिर टॉप्स रखिए, और जो मैं आपको दिखा रही थी कैल्विन क्लीन की पैंट्स, ये आपको जो भी अच्छा लगे आप कंफर्टेबल का एक अंडरवेयर ले सकते हैं आपके यूज के लिए। फिर कुछ ऐसे टॉप्स भी रखिएगा आप, छोटे छोटे अच्छे लगेंगे आपको, ऐसे कॉटन के, सिंथेटिक के, सैटिन वाले, तो आपको जो भी अच्छा लगे, आपको जो भी एसेंशियल चीजें हो, आप अगर पार्टी फंक्शन कुछ कर रहे हो तो उसमें भी आप वो यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यही कुछ एसेंशियल्स था जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, बाकी इतना टिटर बिट मैं आपको नहीं दिखा रही, बिकॉज सूटकेस तो वो हर कोई लेके जाएगा, आपके एसेंशियल कपड़े हो गए, जीन्स हो गए, मेडिसिन हो गए, वो तो हमें रखने ही रखने हैं, वो अगर मैं आपको अभी बैठ के समझाऊ, दिखाऊ ना दिखाऊ, तब भी आप लेने वाले हैं। तो ये कुछ चीजें थे जो मुझे लगा कि हम लेने वाले हैं, लेना चाहते हैं, जो आपको दिखाने से, शेयर करने से अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही कुछ चीजें हैं जो मैं लेके जा रही हूँ, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। तो जो लोग भी एक्साइटेड है देखने के लिए मेरा ट्रिप कैसा गया, तो डू फॉलो माय चैनल, एंड आगे वाले वीडियो के लिए दिल थाम के रहिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। मैं खुद भी ऐसे कोई ट्रिप पे कनाडा में पहली बार जा रही हूँ, उन अभी के लिए तो वो मेरे लिए स्ट्रेंजर्स ही है टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स। तो यस, और बहुत ही ज्यादा कुछ अच्छा होने वाला है, हम बहुत सारे उड़िया के टेस्टी कुजीन्स खाने वाले हैं, जैसे दही बड़ा, आलू दम हो गया,
का ही बैंगन हो गया, फिर बहुत सारी चीजें हैं लाइक पोड़ो पिठा हो गया, छेना पोड़ो हो गया, मैं पोटोलो खाने वाली हूँ जो परवल होता है, इतने दिनों बाद उसकी सब्जी, मटन हो गया, और मैं भी आपको कुक करते मिलूंगी, क्लीन करते मिलूंगी, बर्तन घिसते मिलूंगी, बिकॉज यहाँ पे हमारा कोई हेल्प नहीं होता। जैसे इंडिया में हमारा बहुत सारे लोग होते हैं ना, कोई आके कुक कर लेता है पिकनिक में, कोई आके साफ कर लेता है बर्तन, यहाँ कोई इंसान नहीं मिलेगा, सारा काम अपना खुद ही को खुद ही करना पड़ता है। तो हम ऐसे टीम्स में डिवाइडेड है, हम सारा काम करेंगे, हम कहाँ रहते हैं, हम फिशिंग करेंगे, बोटिंग करेंगे, क्या सब करेंगे, वो वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो दिल थाम के रखिए, जल्दी कुछ एक्साइटिंग आने वाला है आपके लिए।